नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की एक अदीम-उस-शान करामत सुनेंगे, जिसे सुनकर और देखकर लोग हैरान रह गए थे। नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत मैं करामत ख्वाजा गरीब नवाज किताब के हवाले से बयान कर रहा हूँ। इस किताब में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत असार की शक्ल में लिखी है, जिसका मफहूम ये है कि एक मर्तबा एक बांझ औरत हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और मज़ार पाक के पास बैठकर जालियों को पकड़कर कहने लगी, ऐ गरीब नवाज, मैं एक फरियाद लेकर आई हूँ, मेरी फरियाद सुन लीजिए। ऐ गरीब नवाज, मेरी आधी उम्र निकल गई है, लेकिन अभी तक मेरी गोद सुनी है, मैं बे औलाद हूँ, मेरे पास माल और दौलत सब कुछ है, हर तरह से खुशहाल हूँ, मगर मुझे एक ही चीज़ का रंजो गम है कि मैं बे औलाद हूँ। उसके बाद कहने लगी कि आप अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के महबूब हैं, मुझे औलाद की ज़रूरत है, आप अल्लाह से मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि मैं साहिब औलाद हो जाऊँ, और जब मुझे आपकी दुआओं से औलाद हो जाएगी तो उसे फौरन आपकी चौखट पर लेकर आऊँगी और आपके नाम से पकती हुई डेग में डाल दूँगी। अपनी ये अर्जी पेश करके वो औरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से वापस चली गई और फिर कुछ दिनों बाद उसकी दुआएं कबूल हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से उसने जो भी दुआएँ मांगी थी अल्लाह ताला ने उसे पूरी फरमा दी कि वो औरत हामला हो गई और 9 महीने बाद उस औरत के घर लड़का पैदा हुआ और वो औरत माँ बन गई। फिर वो औरत शुक्र अदा करने के लिए अपने बच्चे को साथ लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर हाजिर हुई और मज़ार पाक के पास आकर कहने लगी, या गरीब नवाज, ये अमानत आपकी है, आपकी बारगाह में इसे आपके लिए लेकर आई हूँ और जो वादा मैंने किया था आज वो वादा पूरा करने आई हूँ। अब ये आपकी मर्जी है कि या तो आप इसे ले लीजिए या मुझे वापस कर दीजिए। ये कहकर वो औरत अपने बच्चे को लेकर पकती हुई डेग के पास पहुंची और या मोइन हक मोइन कहकर उस बच्चे को पकती हुई डेग में डाल दिया। ये देखकर हर तरफ कोहराम मच गया और उस औरत की हिम्मत को देखकर हर कोई कहने लगा कि ख्वाजा के नाम पर इसने अपना बच्चा दे दिया, और हर शख्स डेग की तरफ दौड़ पड़ा। मगर डेग के पास जाकर क्या देखते हैं कि अल्लाह की कुदरत और ख्वाजा गरीब नवाज की करामत से वो पकती हुई डेग फौरन ठंडी हो गई और बच्चा बिल्कुल सही सलामत डेग के अंदर मुस्कुरा रहा था। फिर जब उस औरत ने अपने बच्चे को बिल्कुल सही सलामत देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगी, ये सब तो मेरे ख्वाजा का करम है, सब मेरे ख्वाजा का करम है। नादरीन, ये थी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदा करामत, जिसे आपने अभी समाज फरमाया। नादरीन, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।